हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे साइंस के सेट नंबर 12 की। रेलवे एनटीपीसी के पेपर्स कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सेट नंबर 12 है। आज जो क्वेश्चन लिए वो अपने लिए 4 अप्रैल 2016 के जो पेपर्स में पूछे गए थे वो क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि दिमित्री मेंडलीव, अपने को कह रहा है कि दिमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि दिमित्री मेंडलीव है उसने क्या तैयार किया था। पहला ऑप्शन है अराजकता सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक तत्वों की अवसारणी। तो यहाँ पे अपने जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा रासायनिक तत्वों की अवसारणी। सबसे पहले जो अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी, किसकी, केमिकल एलिमेंट्स थे, इनकी जो पीरियोडिक टेबल है सबसे पहले किसने दी थी, ध्यान रखिएगा सबसे पहले दी गई थी दिमित्री मेंडलीव के द्वारा। और जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो किसके ऊपर आधारित थी, ध्यान दीजिएगा आपको हमेशा ध्यान में रखना है, मास यानी द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी। और जो आधुनिक है मॉडर्न आपसे अगर पूछ ली जाए तो मॉडर्न दी गई थी मोजले के द्वारा, और आधुनिक है वो आधारित है ऑटोमिक नंबर के ऊपर, परमाणु संख्या के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोलॉजी के अंदर जो डीएनए होता है उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। जो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है हमेशा डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। आंसर हो जाएगा अपना डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और हमेशा ध्यान दीजिएगा डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है या डबल हेलिक्स संरचना किसके द्वारा दी गई थी, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दी गई थी। और कब दी गई थी, ध्यान रखिएगा 1952 के अंदर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना कब दी थी, तो आपको बताना है 1952 के अंदर। वाटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो आपको बताना है कि 1962 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। और संरचना स्ट्रक्चर दिया था डबल हेलिक्स का, मतलब इस तरीके की स्ट्रक्चर थी, ठीक है, डबल हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। एमिनो एसिड के 4 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। एमिनो एसिड के मुख्य तत्व पूछे गए, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। चारों के चारों एमिनो एसिड के प्रमुख तत्व है, मेन एलिमेंट्स है एमिनो एसिड के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2015 में नासा कहाँ की एजेंसी है, अमेरिका की। नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते हुए पानी के सबूत मिले। नासा के वैज्ञानिकों को सबूत मिले थे कौन से ग्रह के ऊपर बहते हुए पानी के, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी, मंगल ग्रह यानी मार्स प्लेनेट के ऊपर। ये अपना सन है, सन के बाद में बुध आ जाता है, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, और पृथ्वी के इधर आ जाता है मंगल। तो पोजीशन भी आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पोजीशन भी पूछ ली जाती है, मार्स या मंगल के ऊपर नासा को, ये नासा के वैज्ञानिकों को उपलब्धि मिली थी। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा से किसके आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है, ध्यान दीजिएगा किसके अंदर पूछी गई है। नासा है वो स्थानांतरित होना चाहती है किस कक्षा में, किसकी कक्षा में, तो अपना आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा किसका सैटेलाइट है, हमेशा ध्यान रखिएगा अर्थ है यानी पृथ्वी, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। मंगल के कौन से है, फोबोस और डिमोस, ध्यान दीजिएगा फोबोस और डिमोस। और डिमोस का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट वो है डिमोस। और इनका कोई भी उपग्रह नहीं है यानी बुध और शुक्र का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, सबसे छोटा ग्रह माना जाता है बुध को और सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है बृहस्पति को। जीएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीपीएस होता है उसका मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और जीएसएम का मतलब है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ध्यान रखिएगा दोनों की फॉर्म अलग अलग पूछी जा सकती है, जीएसएम और जीपीएस। मुंबई में जो परमाणु ऊर्जा संस्थान है उसका पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। कौन से साइंटिस्ट थे, कौन से फिजिक्स के थे, भौतिकी विद थे, जिनके नाम पर किया गया था, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर बाबा, ध्यान दीजिएगा होमी जहांगीर बाबा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है, श्वेत क्रांति के रूप में पूछा गया है, तो अपना आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ध्यान दीजिएगा दुग्ध या मिल्क से संबंधित है, आंसर हो जाएगा बी। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है, भारत का पहला जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे अपना जो आंसर बनेगा आर्यभट्ट। और इसको कब छोड़ा गया था, 1975 के अंदर इसको छोड़ा गया था। डेट आपसे पूछे तो आपको बतानी है 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को छोड़ा गया था, भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, आंसर हो जाएगा अपना आर्यभट्ट। इनमें अपने को सिमिलरिटी बतानी है, कॉमन कोल्ड, रिंग वर्म, कंजक्टिविटीज और वोपिंग कप है, इनके अंदर क्या सिमिलरिटीज है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी के सभी संक्रामक है यानी एक से दूसरे के अंदर फैलने वाली रोग है, ठीक है, सभी के सभी संक्रामक है। कंप्यूटर में सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी अपने इस सेट में इंक्लूड कर रहे हैं,
तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और जो मेन यूनिट होती है वो होती है ALU, जिसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और जिसके अंदर पूरी की पूरी कैलकुलेशन होती है। भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की थी। CNG की फुल फॉर्म आपको बतानी है यहाँ पे। तो CNG की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्यूटर में जो स्टोरेज से संबंधित रैम है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। रैम और रोम दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक स्टेबल होती है, एक नॉन स्टेबल होती है, एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रैम की फुल फॉर्म हो जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान दीजिएगा, मेमोरी करना आपको मशीन मत कर दीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था? जड़त्व का नियम, या इंग्लिश में बोले तो इसको इनर्शिया, इनर्शिया का नियम किसके दिया गया था? तो अपना आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन ने तीन नियम दिए थे, ध्यान दीजिएगा, एक तो जड़त्व का नियम था, एक F=ma दिया था, और तीसरा उसने दिया था क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाले। ठीक है, और जो ग्रहों की गति के नियम है वो दिए गए थे किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। आर एम ए बी एक मेडिसिन है, उसने अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्दी भारत में लॉन्च होने वाली है, यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो ये हमेशा काम आती है आपके रेबीज रोधी दवा के अंदर। और रेबीज के टिक्के की खोज किसके द्वारा की गई थी? रेबीज के टिक्के की खोज की गई थी लुई पाश्चर के द्वारा। किसके द्वारा? लुई पाश्चर। और साथ ही ध्यान में रखना आपका जो दूध का पाश्चराइजेशन है वो किसने दिया था? लुई पाश्चर ने दिया था। रेबीज का टिक्का लुई पाश्चर, दूध का पाश्चराइजेशन लुई पाश्चर। ठीक है, चेचक का टिक्का एडवर्ड जेनर। यहाँ पे RAMAB है, इसका मतलब आर से पूछा जा सकता है कि इसमें आर क्या है, तो आपको बताना है आर का मतलब है यहाँ पे रेबीज। ठीक है, MAB का मतलब ये बाद में हो जाता है अपना ह्यूमन मोनोक्लोन एंटीबॉडी, लेकिन आपको आर का मतलब ध्यान में रखना है यहाँ पे रेबीज। लिक्विड स्टेट से, यानी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में रूपांतरण को क्या कहोगे? आपके पास लिक्विड है, लिक्विड से गैस में जाने की प्रोसेस को आप क्या कहोगे? तो इसको कहेंगे अपन ई-वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण। ध्यान दीजिएगा, द्रव से गैस में बदलने की प्रोसेस को कहते हैं वाष्पीकरण। और ये जो सब्लिमेशन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यानी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलने की प्रोसेस को अपन कहते हैं सब्लिमेशन या उर्ध्व पतन। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग होता है? तो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड का प्रयोग होता है? नाइट्रोजन के पेंटा ऑक्साइड का प्रयोग होता है। और क्लोरोफॉर्म की बात करें, ये है ना मेडिसिन के अंदर भी काम आता है, ये बेहोशी के रूप में भी काम आता है, ऑपरेशन करते टाइम बेहोशी के अंदर भी ये काम आता है, क्या? क्लोरोफॉर्म। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी क्लोरोफॉर्म की? तो आपको बताना कि हैरिसन प्लस सिम्पसन, इनके द्वारा क्लोरोफॉर्म की खोज की गई थी। आंसर हो जाएगा अपना क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन के पेंटा ऑक्साइड होते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? आहार नली के अंदर भोजन जाने की प्रोसेस है वो कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा इंजेशन या अंतग्रहण। पांच स्टेप से गुजरता भोजन, पहले होता है इंजेशन से, दूसरा डाइजेशन से होता है, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, इसमें दे नहीं रखा, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है एसिमिलेशन, और पांचवा होता है लास्ट फाइनल एलिमिनेशन यानी निष्कासन। इस तरीके से पांच प्रोसेस होकर अपना भोजन गुजरता है। पहला इंजेशन, पाचन या अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा होता है कौन सा? एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, चौथा होता है उसका एसिमिलेशन, और पांचवा होता है एलिमिनेशन यानी निष्कासन। इस तरीके से पांच स्टेप से गुजरता है, और स्टार्ट कहाँ से होता है? अंतःग्रहण या इंजेशन से। परमाणु विखंडन किसकी प्रक्रिया है? परमाणु विखंडन की पूछी गई है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, या एक बड़ा नाभिक है वो छोटे छोटे नाभिक के अंदर टूट जाता है और अपने को एनर्जी मिलती है, और ये परमाणु विखंडन है। ठीक है, इसका एक जम परमाणु बम हो गया, और एक होता है हाइड्रोजन बम, इसके जस्ट अपोजिट, जिसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और अपने को एनर्जी मिलती है, इसको अपने बोलते थे सलियन। और इसका एग्जाम्पल पूछे तो आपको बताना हाइड्रोजन बम। इसरो ने एस्ट्रोसेट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? इसरो ने एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सैटेलाइट है, भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह, इसका शुभारंभ कब किया? तो आंसर हो जाएगा 2015 के अंदर भारत ने इसकी स्टार्ट की थी, किसका? एस्ट्रोसेट। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का। यहाँ पे ऑप्शन देखोगे आप, बारूद का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट ने किया। एक्सरे का किया था WC रोएंटजेन ने। रेडियम का किसके द्वारा किया गया था? मेरिक्यूरी के द्वारा किया गया था। रेडियम का कीजिएगा कन्फर्म,
किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, हेनरी बेकुरेल, मैरी क्यूरी, इनमें से होता है, एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा इसका रेडियम का। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बारूद, बारूद किसका, अल्फ्रेड नोबेल। और नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, तीन तो ये हो गए, एक दिया जाता है पीस के अंदर, एक दिया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर और एक दिया जाता है लिटरेचर या साहित्य के अंदर। इस तरीके से 6 कैटेगरी के अंदर ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। पृथ्वी की आकार की तुलना में निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, यानी अपना आंसर हो जाएगा बृहस्पति। लार्जेस्ट प्लैनेट क्वेश्चन पूछे, लार्जेस्ट प्लैनेट तो आपको बताना है जुपिटर। आपसे पूछे लार्जेस्ट सैटेलाइट तो आपको बताना है गैनीमेड, समझ गए। और स्मॉलेस्ट प्लैनेट तो आपका हो जाएगा बुध यानी मरकरी, और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा हो जाएगा, डिमोस, ठीक है। गैनीमेड किसका है, गैनीमेड जुपिटर का है। डिमोस किसका है, डिमोस है मार्स मंगल का। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में दिए गए ऑप्शन में से डिफरेंट का पता लगाइए, डिफरेंट कौन सा है जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित, यहाँ पे आंसर हो जाएगा भिंडी, जेनेटिक इंजीनियरिंग से डिफरेंट है, बाकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल हैं बिटकॉइन, बिटकॉइन, या अपन बात करें गोल्डन राइस या एम्फ्लोरा, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड किसको, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसको क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो तो, और शेयर किया करो दोस्तों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कंपाइलर। कंपाइलर किसको बोलेंगे, जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है उसको बोलते थे अपन कंपाइलर। एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी का यूज करके अपन पहले जैसे कि अपन ने दबा दिया, एमएस वर्ड अपन यूज कर रहे हैं, एमएस वर्ड को अपन उसका एक्सटेंशन होता है डॉक, ठीक है, या WRD, ठीक है, डॉक होता है, डॉक फाइल भी इसको बोलते हैं, एमएस वर्ड को वर्ड फाइल भी बोलते हैं, डॉक फाइल भी बोलते हैं। इसमें जैसे आपने कुछ कर दिया वापस से पीछे जाना है तो अपन डायरेक्ट है अंडू यूज करेंगे, और अंडू किसके लिए होता है, कंट्रोल जेड के लिए, ठीक है। कंट्रोल अक्स होता है कट के लिए, ठीक है। कंट्रोल वी किसके लिए होता है, पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल जेड होता है अंडू करने के लिए यानी पीछे जाने के लिए। ग्रह की गति के बारे में निम्न में से कौन से स्टेटमेंट सत्य है, सत्य कौन सा है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार होती है, ये अपना स्टेटमेंट सही है। और ग्रह की गति के नियम देते हैं केपलर ने, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मत कर देना एग्जाम में, गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ग्रह की कक्षा है ये सूर्य है, सूर्य के चारों दो बिंदु पे फोकस रहती है, और उसके साथ में ये अंडाकार शेप बनती है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे आपके पास वर्ड है टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब भी क्या होता है, एज ए जहर, जहर बात करेंगे अपन, तो आंसर हो जाएगा जहर। तो टॉक्सिकोलॉजी में अपन अध्ययन करते हैं किसका, जहर का, टॉक्सिक का। इनमें से आपको बताना कि समूह का सदस्य नहीं है, लैंग्वेज पॉपअप 3, C++, जावा, तो इनका अपना आंसर हो जाएगा पॉपअप 3 डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, बाकी तीनों लैंग्वेज के एग्जाम्पल हो गए। श्वेत क्रांति फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन फिर से आ चुका है, इसका एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन, और हरित क्रांति का होता है एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था अपना सेट नंबर 12, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पूरे वीडियो को देखा करो। मैथ का सेट भी चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मिस मत किया करो, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।